के लिए निर्वाचन विभाग की तरफ से जो अधिकारी नियुक्त किए गए, ये देखिए अब दिखा दिया है वो चिन्ह जो लोकतंत्र के इस महापर्व का प्रतीक है, वो नीला स्याही का चिन्ह जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ आपकी भागीदारी अब लोकतंत्र के महापर्व में आपकी आहुति संपूर्ण हो चुकी है। और चप्पे चप्पे पर जी राजस्थान के रिपोर्टर तैनात हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, एक एक तस्वीर जी राजस्थान पर आप पत्रकारों से बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमार, थोड़ा तो सैंक्टिटी रखना पड़ेगा, वहाँ चलते करेंगे, ग्राउंड से बाहर चलते। अब वहाँ चलो, मैं वहीं आता हूँ, आप लोग सब चलो इस ग्राउंड के बाहर चल के पर थोड़ा अपने को सैंक्टिटी रखना, सैंक्टिटी रखना थोड़ा, बाहर चलो, वहाँ वहाँ खेड़े को वहाँ खड़े, वहाँ पे प्रदीप खड़ा, वहाँ पे करें, सब वहीं करेंगे। अरे यार, वोट कास्ट करने के बाद आप पत्रकारों से बात करेंगे पूरे परिवार के साथ अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे सपरिवार, और अब जिस तरह से होता है पत्रकारों से बात करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत बताएंगे और अपील भी की जाएगी, विजय श्री का प्रतीक भी दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पत्रकारों से बात करती हुई जब अपने वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकली। दूसरी तरफ निर्वाचन आयुक्त बिल्कुल, और ये बेहद अहम और खास तस्वीरें जब एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करके, मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, जो नव मतदाताओं से कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम, आपके ग्रैंडसन भी आया है। हाँ, आपका ग्रैंडसन भी आया फर्स्ट टाइम वोट करने। हाँ, हमारे पास भी फैमिली में फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे बड़ी खुशी है इसको, तो अच्छा हुआ है, बहुत दिल्ली से रात भर चल के आया है जस्ट टू कास्ट हिज वोट टुडे। अभी तो पहले अपन आग्रह करें उन लोगों को जिनसे अपन वोट, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, अगर पार्टी वसुंधरा जी, और देखिए माधुरी, सवाल वो पूछा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जिसका जवाब पूरी बीजेपी के पास नहीं है। बिल्कुल, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जवाब है नहीं, ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, जवाब कहीं छुपा हुआ है और वो निकलेगा 3 तारीख को। गजेंद्र सिंह शेखावत भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट देयर सोशल वेलफेयर, सो जस्ट योर फाइनल वर्ड्स, आई एम कंसर्न्ड, आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all voters to come out because this is a very important moment. All voters, especially the young ones, the new ones, it's a major request to all of them to come out to vote. Just as maine kaha, I hope the lotus of flowers properly today. And I hope that this is also a good last finish. Madam, you have a young voter in your family who's Tarun Vinayak is standing right next to you. So after you, we're going to ask him also something. But what's your, you know, he came all the way to vote. Yes, first yes. Time. Enthusiastic voter. I think that all the Navbat Datas, generally, as one speaks to them, there's a lot of enthusiasm because they are first time voters and they are feeling like now they are part of the big nation building machinery. So it's a very big thing. Can we ask and he's driven all night to come here. Can we also ask Vinayak something? There is an undercurrent and the rivers would be changed in Rajasthan. I am also agreed that
there is an undercurrent. But he will recognize the undercurrent on the third. And I think that undercurrent will make it very clear that the undercurrent is in favor of the Ma'am, personally, do you feel very... Madam, instead of fighting on the... अगर पार्टी जीतती है, तो कौन मुख्यमंत्री होगा? क्योंकि हर बार पार्टी जो है, आपको पिछले चार चुनाव के अंदर जो है, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चली है. Let's not get into any of these semantics. Very, very clearly, the party will decide what has to be done. Ma'am, Hindi में बोल दीजिए. बोल रही है, अंडरग्राउंड. बहुत लंबा चल कर आए आप. This opportunity to vote. I'm very grateful, like, to the country, like, because we have such a nice way, like, you know, how democracy works.